नमस्कार भाइयों बहनों, मैं खुजलीवाल। मोदी जी ने दिल्ली मेट्रो चलवा दी, पूरे देश में कोरोना फैला हुआ है दोस्तों, लेकिन दिल्ली को हमने अभी तक बचाया हुआ था। लेकिन मोदी जी ने दिल्ली मेट्रो चलवा दी बिना किसी तैयारी के। मैंने कहा था मेट्रो चलाने से पहले दिल्ली सरकार से सुझाव ले लो, लेकिन नहीं, अपने दिमाग से मेट्रो चलवा दी। सिर्फ दरवाजे दाई और बाई तरफ खुलवाने से काम नहीं होगा भाइयों बहनों, दिल्ली मेट्रो की रूफ ओपन रूफ करवानी पड़ेगी केंद्र सरकार को, तब जाके शायद कोरोना को फैलने से रोका जा सके। सिर्फ दाई बाई तरफ से दरवाजे खुलवा के काम नहीं होगा भाइयों बहनों, ठीक बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? दिल्ली मेट्रो में कितनी भीड़ होती है आप जानते हैं। मैं गया था एक बार दिल्ली मेट्रो में सफर करने के लिए, मुझसे पहले मेरा चश्मा मेट्रो के अंदर पहुंच गया भाइयों बहनों, जानते हो ना, गलत तो नहीं बोल रहा? राजीव चौक पे कितनी भीड़ होती है आप सब जानते हैं, ठीक बोल रहा हूँ ना? केंद्र सरकार ने मेट्रो खुलवाने से पहले कोई तैयारी नहीं की भाइयों बहनों, ना कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सीट आरक्षित करवाई, जब बुजुर्गों के लिए सीट आरक्षित है, महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, तो कोरोना संक्रमित पेशेंट कहाँ जाएंगे, वो कैसे जाएंगे? उनको भी तो दिल्ली मेट्रो में सफर करने का उतना ही हक है ना जितना बाकी की दिल्ली की जनता को है, ठीक बोल रहे हो, गलत तो नहीं बोल रहे ना भाइयों बहनों? क्योंकि कोरोना संक्रमित पेशेंट आप और हम में से तो एक है, ठीक बोल रहे हो ना? ना उन्होंने बुजुर्गों के लिए और ना कोरोना संक्रमित पेशेंट्स के लिए अलग से कोच चलवाए। अगर आप सीट आरक्षित नहीं करवा सकते क्योंकि कोरोना का खतरा है, तो अलग से कोच की व्यवस्था करनी चाहिए थी ना केंद्र सरकार को मेट्रो चालू करने से पहले, क्योंकि कोरोना संक्रमित पेशेंट कैसे जाएंगे, उनको भी तो दिल्ली मेट्रो में सफर करने का उतना ही हक है ना भाइयों बहनों जितना आपको और मुझे, ठीक बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा ना? मोदी सरकार ने जगह जगह पर हैंड सैनिटाइजर लगवाए मेट्रो स्टेशन में, ठीक बोल रहा हूँ ना, गलत तो नहीं बोल रहा ना भाइयों बहनों? ना उन्होंने कोई इमरजेंसी बटन दिया ताकि किसी को खांसी या छींक आए तो मेट्रो फटाफट से रुक के दाई बाई तरफ दरवाजे खोल दे। अब कोई छींकेगा तो आसपास के लोग तो संक्रमित हो ही जाएंगे ना भाइयों बहनों, ठीक बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा? मैं कह रहा हूँ दिल्ली मेट्रो और दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार को दे दो, फिर देखना मेट्रो की रफ्तार तेज और भीड़ कम हम कैसे करते हैं। सही बोल रहा हूँ भाई बहनों, मेट्रो कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा दूंगा, फिर देखना कैसे ऑड इवन चलेगा, मेट्रो में भीड़ कम हो जाएगी। लेकिन मोदी जी ने हमसे कोई राय मशवरा नहीं किया भाई बहनों, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हूँ, IIT से पढ़ा हूँ, तो दिमाग तो होगा ना, लेकिन मोदी जी नहीं चाहते कि हम अपना दिमाग दिल्ली की भलाई में लगाए। आखिर दिल्ली की जनता ने हमें सुना है तो दिल्ली के भविष्य का फैसला करने का हक भी हमें होना चाहिए ना भाइयों बहनों, ठीक बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा? मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली की जनता को कोरोना हो या नहीं हो, लेकिन इस खुजलीवाल को पड़ता है, क्योंकि आपने हमें वोट दिया है 5 साल, अगले 5 साल भी हम आपकी सेवा के लिए हैं, ठीक बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा ना? मोदी जी की साजिश है देश में कोरोना फैलाने की, अब वो चाहते हैं दिल्ली में भी कोरोना फैले। भाइयों बहनों, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, मोदी जी तक पहुंचाए। जैसे मोदी जी की वीडियो को डिसलाइक किया था ना, इस वीडियो को लाइक कर दो और मोदी जी तक पहुंचा दो ये वीडियो, जनता में बहुत ताकत है, आप बोलोगे तो मोदी जी को सुनना पड़ेगा। कैसे आपने मोदी जी की वीडियो को डिसलाइक कर दिया था, टिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, पबजी को बैन करना पड़ा। तो भाइयों बहनों, आप उसी तरह मोदी जी को मेट्रो को भी डिसलाइक कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, मोदी जी तक पहुंचा दो ताकि मोदी जी हमारी सुने। इस वीडियो को डिसलाइक मत कर देना क्योंकि ये मन की बात नहीं है, ये खुजलीवाल की बात है, ठीक बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा? ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपका मुख्यमंत्री जब आपसे बात करना चाहे, कोई संदेश आपके लिए हो, तो आप तक जरूर पहुंच जाए। धन्यवाद भाइयों बहनों, अगली बार मिलता हूँ।